हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मूडी मी, और मैं हूँ रिया। तो आज मेरा मूड हुआ क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो मैंने बनाया है, बनाने वाली हूँ एक वॉल आर्ट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा है, बहुत ही इजी है। अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो भी आप बना सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, आप भी कुछ अच्छा बना लोगे अपने रूम में। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम अभी आ गए हैं अपने वॉल साइड पे, जहाँ पे हमें पेंटिंग बनानी है। सो मेनली ये स्विच बोर्ड पे अगर आप बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अदरवाइज़ आप इसको कहीं भी वॉल पे बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा ताकि वो अच्छा दिखे। अगर आप बड़े से वॉल पे छोटा सा ट्री बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने पहले यहाँ पे पेंसिल से डिज़ाइन किया, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फैब्रिक कलर, जो कि है ब्लैक कलर में। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ब्रांचेस को ब्लैक किया है, एंड नाउ मैंने अभी ग्रीन कलर ले लिया है, और ग्रीन से आपको फ्लैट ब्रश से टैप टैप करना है, और इस तरह से टैप टैप करके आप एक ट्री का शेप दे दो उसे, और रैंडमली कहीं भी आप इसको टैप टैप कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह का शेप देना चाहते हो। सो इस तरह से मैं आपको अभी जूम करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से टैप करना है। इस तरह से जब आप इसको कंप्लीट कर ले तो फिर येलो कलर से आप रैंडमली कहीं कहीं पे कर सकते हैं येलो से, तो इससे क्या होगा कि जो आपने डार्क ग्रीन यूज़ किया है अगर, तो वो लाइट ग्रीन हो जाएगा कहीं कहीं पे। सो इससे टेक्सचर अच्छा दिखेगा, प्लांट थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा। एंड फिर मैंने लिया है रेड कलर, जिससे मैंने थोड़े फ्लावर्स के लुक दिए हैं कहीं कहीं पर, उससे लगेगा कि हाँ ग्रीनरी है पूरे प्लांट में, एंड कुछ फ्लावर्स भी हैं, तो इससे पूरा टेक्सचर अच्छा दिखेगा। और ये हमने फ्लैट ब्रश से ही थोड़े से ग्रास का डिज़ाइन दिया है, तो इसे पूरा जो लुक है वो अच्छा दिखेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसे थोड़ा सा भी आइडिया हुआ हो और आपको पसंद आया हो, आप भी बनाना चाहें इसको, तो प्लीज़ बनाइए, और इसका पिक्चर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मैं आपका वो पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Till then, bye-bye.